सचिन पायलट की तरह उनके पिता राजेश पायलट ने भी कांग्रेस को बागी तेवर दिखाए थे, जिस वजह से कांग्रेस कई बार संकट में आई। लेकिन ये भी सच है कि राजेश पायलट ने बागी तेवर दिखाने के बाद भी कांग्रेस को कभी नहीं छोड़ा। 13 साल तक वायुसेना में अपनी सेवा देने के बाद राजेश पायलट ने राजनीति का रास्ता चुना था। पायलट होने की वजह से संजय गांधी से वे काफ़ी करीब थे, लेकिन धीरे धीरे राजेश पायलट राजीव गांधी के करीब पहुंच गए। इस दौरान कांग्रेस में रहते उन्होंने कई चुनाव लड़े और जीते भी, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में उथल पुथल मच गई। इस दौरान कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस में रहते हुए तेवर दिखाए, इनमें राजेश पायलट का भी नाम शामिल था। 1997 में राजेश पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा। इस दौरान वो सीताराम केसरी के सामने मैदान में थे, लेकिन राजेश पायलट चुनाव हार गए। वहीं इसके कुछ समय बाद ही सोनिया गांधी ने कांग्रेस ज्वाइन की और अगले साल यानी कि 1998 में वो कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनी। इतना ही नहीं, 1999 में कांग्रेस का नाम पीएम पद की रेस में भी आ गया, लेकिन इस दौरान पार्टी के कई बड़े नेता भड़क गए, जिनमें शरद पवार, पी संगमा और तारिक अनवर जैसे नेता थे जो उस दौरान कांग्रेस से अलग हो गए। हालांकि इस लिस्ट में राजेश पायलट का भी नाम शामिल था, वो भी सोनिया गांधी को पीएम बनने के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस से अलग नहीं हुए। 1997 में कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के बाद राजेश पायलट फिर 2000 में चुनावी मैदान में उतरे। इस दौरान राजेश पायलट ने सीधा सोनिया गांधी को टक्कर दी, लेकिन 11 जून 2000 में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और इस वजह से सोनिया गांधी फिर से कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। सोशल न्यूज रूम की रिपोर्ट।